क्लास 8। क्वेश्चन नंबर 5। टू नंबर्स आर इन द रेशो 5:3। लेट फर्स्ट नंबर इज 5x, सेकंड नंबर इज 3x। दे डिफर बाय 18। दोनों में डिफरेंस 18 का है। 5x - 3x इज इक्वल टू 18। 2x इक्वल टू 18। x इज इक्वल टू 18/2। x इज इक्वल टू 9। x की वैल्यू हम जो है यहाँ पुट कर देंगे फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर में। फर्स्ट नंबर 5x, 5 × 9 = 45। सेकंड नंबर 3x, 3 × 9 = 27। क्वेश्चन नंबर 6। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स एडिट अप टू 51। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, कंसेक्यूटिव इंटीजर कौन से होते हैं? जैसे 6, 7, 8, 10, 11, 12, ये है कंसेक्यूटिव इंटीजर। कंसेक्यूटिव इंटीजर कैसे मिलते हैं? जब हम उसमें लगातार 1 ऐड करते जाएं। तो लास्ट फर्स्ट इंटीजर x, सेकंड इंटीजर x+1 एंड थर्ड इंटीजर x+2, सब में 1 1 ऐड करते जाओ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दियर सम इज 51। x + x+1 + x+2 = 51। इन तीनों इंटीजर्स का सम 51 है। तो x + x + x ये हो गया 3x और 2 + 1 हो गया 3 प्लस 3 = 51। अब हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लेफ्ट साइड में हम x वाली टर्म रखेंगे, 3x प्लस 3 लेफ्ट से राइट में आ जाएगा, 51 - 3। 3x = 48। तो x = 48/3, क्योंकि x को 3 मल्टीप्लाई कर रहा था। x = 16। x का है फर्स्ट इंटीजर 16, सेकंड इंटीजर x+1 16 + 1 = 17, थर्ड इंटीजर x+2 यानी कि 16 + 2 = 18। क्वेश्चन नंबर 7। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 इज 888। 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 का मतलब है 8 का टेबल। जैसे 8 1 = 8, 8 2 = 16, 8 3 = 24। तो ये तीनों मल्टीपल कैसे मिले हमको 8 8 ऐड करने के बाद मिले? तो फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 हम मान लेंगे 8x, क्योंकि इनको 8 डिवाइड करता है। सेकंड मल्टीपल ऑफ 8 हम मान लेंगे 8x + 8, क्योंकि 8 ऐड करने पर ही नेक्स्ट मल्टीपल मिलता है। थर्ड मल्टीपल ऑफ 8 फिर 8 और ऐड कर देंगे, 8x + 16। सम ऑफ 3 मल्टीपल्स इज 888। तीनों मल्टीपल्स का सम 888 है। तीनों को ऐड कर देंगे, सबसे पहले लिखेंगे 8x उसके बाद लिखेंगे 8x + 8 पहले 8x लिखेंगे फिर 8x + 8 उसके बाद लिखेंगे 8x + 16। तीनों का सम है 888। अब पहले जो x वाली टर्म है उनको ऐड कर लो, 8x + 8x + 8x और 8x, ये हो गया 24x, और 16 में 8 और ऐड कर दो, 24 = 888। तो 24x = ये जो 24 है वो लेफ्ट से राइट में चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, 888 - 24 = 864। तो x को 24 मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट में आकर डिवाइड करेगा 864/24। तो डिवाइड करेंगे दोनों की, x = 36 आ जाएगा। तो फर्स्ट मल्टीपल हमने माना था 8x यानी कि 8 × 30x 288। सेकंड मल्टीपल माना था 8x + 8 8x तो हम फाइंड कर चुके हैं, 288, इसमें 8 और ऐड कर दो, 296। और थर्ड मल्टीपल माना था 8x + 16 8x तो था, अब 8x था 288 में 16 ऐड कर देंगे, 312, या फिर पिछली टर्म में 296 में 16 ऐड कर देंगे। 296 में तो हम 8 ऐड करेंगे,
296 में हम 8 ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 296 प्लस 8 इज इक्वल टू 8 और 6 14 304 आ जाएगा 304। तो फर्स्ट मल्टीपल था 8x 8 इंटू 36 288, इसमें 8 ऐड कर दो 296, 296 में फिर 8 ऐड कर देंगे 304। क्वेश्चन नंबर 8, थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर सच दैट व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर लेने हैं, फर्स्ट इंटीजर एक्स, सेकंड इंटीजर एक्स प्लस वन और थर्ड इंटीजर एक्स प्लस टू, सब में वन वन ऐड करते जाएंगे मल्टीप्लाइड बाई 2, 3, 4 रिस्पेक्टिवली एंड एडिड अप टू 74। इन तीनों को पहले हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट वाले को तो x इंटू 2, और सेकंड वाले को मल्टीप्लाई करना है 3 से x प्लस 1 इंटू 3, और थर्ड वाले को करना है 4 से मल्टीप्लाई x प्लस 2 इंटू 4 और उसके बाद ऐड कर देना है। तो इनके बीच में ये प्लस का सिंबल लगाया इज इक्वल टू 74। जब इन सबको ऐड करते हैं पहले मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट वाले को 2 से, सेकंड वाले को 3 से और थर्ड वाले को 4 से और ऐड करते हैं तो आता है 74। तो तीनों का सम हो गया 74। तो x इंटू 2 हो गया ये 2x, 3 इंटू x 3x, 3 इंटू 1 भी करेंगे प्लस 3, 4 इंटू x 4x, 4 इंटू 2 भी करेंगे प्लस 8 इज इक्वल टू 74। और तो जो x वाली टर्म है उनको हम लेफ्ट साइड में लिख लेंगे, 2x प्लस 3x ये हो गया 5x, 5x और 4x 9x, और जो कांस्टेंट टर्म है 3 प्लस 8 उनको भी ऐड कर लिया 11 इक्वल टू 74। लेफ्ट साइड में x वाली टर्म रखेंगे 9x इज इक्वल टू 74, और ये जो प्लस 11 है लेफ्ट से राइट में आ जाएगा माइनस 11, 74 माइनस 11 63। अब x को 9 मल्टीप्लाई कर रहा है इधर आकर डिवाइड करेगा, x इज इक्वल टू 63 अपॉन 9, x इज इक्वल टू हो गया 7। तो फर्स्ट इंटीजर होगा हमारा x, x जो है वो इक्वल टू है 7 के, फर्स्ट इंटीजर है x, x इक्वल टू 7, 7 नेक्स्ट इंटीजर था x प्लस 1, 7 प्लस 1 8, नेक्स्ट था x प्लस 2 यानी कि 7 प्लस 2 9।